टू वर्मा बिजनेस चैनल में आपका स्वागत है। सो मेरा नाम है रंजीत सिंह। आज हम आए हैं सतगुरु नर्सरी में। बने रहे वीडियो के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। वर्मा बिजनेस चैनल का जहां आने पर मैं स्वागत करता हूं। तो सर बताइए इन पौधों के बारे में आप। ये कौन सा पौधा है जी? ये एग्लोनीमा है। तो ये मतलब इंडोर प्लांट है। ये घर में आप छाया में कहीं भी रख सकते हो। बहुत घर की सुंदरता का बढ़ाता है ये प्लांट। तो इनको छाया की जरूरत होती है? हाँ, ये छाया के, ये इंडोर प्लांट है। तो ये घर में मतलब आप कहीं भी किसी भी कोने में लगा सकते हैं जहाँ आपकी छाया रहती है। और इसके अलावा जैसे ये स्नेक प्लांट है, इसमें वेरीगेटेड स्नेक प्लांट है ये। और इसमें आपको और भी कई वैरायटी मिल जाएगी स्नेक प्लांट में। ये ऑक्सीजन प्लांट है। ये घर में आप इंडोर रूम में भी रख सकते हैं इन प्लांटों को। तो ये ऑक्सीजन लेवल को अच्छा रखते हैं रूम में। ठीक है, ठीक है जी। वैसे हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। हाँ, तो आप घर में ये मतलब ग्रीनरी प्लांट लगा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बढ़िया प्लांट है। जैसे ये टेबल कामनी है, तो ये प्लांट घर में आप अपने टेबल पर भी रख सकते हैं, इसमें अपने ऑफिस में भी लगा सकते हैं। तो पूरा ग्रीनरी प्लांट है ये। तो हरा, पूरे साल हरा भरा रहता है ये प्लांट। तो सर ये जो लेके जाते हैं तो आप किराए पर भी देते हैं पौधे? किराए पे ऐसे कोई फंक्शन वगैरह पे इकट्ठे कोई रखना चाहता है, हम तो विद गमला प्लांट दे देते हैं उनको लिए, उनको रखने के लिए दे देते हैं हम यहाँ से। तो अगर कोई घर में पार्क लगाना चाहते हैं तो आपके पास सुविधा है? हाँ, हमारे पास सारी सुविधा है। हम लगाने तक की प्लांट वगैरह, ग्रास वगैरह लगाने की, पार्क बनाने की, सभी तरह की सुविधा है हमारे पास है। ठीक, तो सर आइए थोड़ा और आइए आप। ये जो सभी पौधे हैं इनको सभी को छाया चाहिए? हाँ, इसमें काफ़ी प्लांट है, इंडोर प्लांट है। इसे जो इसमें आप ग्रीन हाउस में देख रहे हैं ना, तो ये काफ़ी प्लांट है इंडोर है, इनमें सारे लगभग 80% है। तो इनको छाया चाहिए, जो इंडोर में छाया में ज़्यादा चलते हैं। पौधों के बारे में कुछ और विचार करना चाहेंगे आप? हाँ, पौधे में ये भी आप ज़्यादा ज़्यादा घर में ग्रीनरी को बढ़ाएं। और एक तो ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहता है, वो ग्रीनरी से अपना पॉजिटिव एनर्जी मिलती है अपने को। तो अपने घर में ऑफिस में आप ज़्यादा ज़्यादा प्लांट लगाएं तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ओके ओके सर जी, आपसे बात होकर बहुत अच्छा लगा। हम भी यही विचार कहते हैं कि सभी को अपने अपने घरों में बढ़िया सुंदर ग्रीन पौधे लगाने चाहिए, पार्क लगाना चाहिए, जिससे हमारा पॉल्यूशन ख़त्म हो और ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो। और बताओ जी आप, इसमें आप जैसे देख रहे हैं इधर, जैसे पीस लिली है, ये भी इंडोर प्लांट है। इसको फ्लावर आता है इंडोर में, इसको फ्लावर आता है और घर की शोभा बहुत बढ़ाता है ये। इसको वाइट रंग का फ्लावर आएगा इसको। तो ये भी ऑक्सीजन प्लांट है येड़ा। ये कौन से पौधे हैं जी? ये कोलियस है। इसके वैरायटी ऐसी है, इसके पत्ते की शेड सबकी अलग अलग होती है। वेरीगेटेड है, सिंपल है, इसमें कई तरह के आपको कलर अलग अलग मिल जाएंगे। ये भी घर में रखा बहुत सुंदर लगता है प्लांट है ये, परमानेंट प्लांट है ये। तो सर ये पौधे कौन से हैं? ये कैक्टस वैरायटी है, ये कैक्टस की वैरायटी है। और इनको जैसे रेड टाइप में फूल होते हैं और इसमें मतलब काफ़ी और ब्रांचेज ऊपर से निकलती रहती हैं। तो ये गिफ्टेड आइटमें हैं, जैसे आप किसी भी अपने रिलेटिव को, रिश्तेदार को आप गिफ्ट कर सकते हैं ये वाली आइटमें। तो ये सब गिफ्टेड आइटमें हैं। आप जैसे कोई भी अपने को, हाँ वो आपको देख रहे हो वो घोंसले हैं, वो आप किसी भी घर में आप जैसे कुछ चिड़ियाँ हैं या कोई और है उनके लिए आप लगा सकते हो। जहाँ भी आपका जो पार्क है या किसी भी चीज़ वहाँ, तो चिड़ियाँ वगैरह इसमें आके बैठ जाती हैं, तो उनके लिए भी घर का बसेरा बन जाता है। ये आइटमें आप देख रहे हैं, ये भी सब गिफ्टेड आइटमें हैं। लोग आजकल इनको भी अपने रिश्तेदारों को या रिलेटिव को ये गिफ्ट आइटमें भी सब गिफ्ट कर रहे हैं, जो आइटमें आप देख रहे हो इसमें कैमरे में। तो अब हम आ चुके हैं मेडिसिन प्लांट के पास, इनके पौधों की जानकारी लेते हैं, मेडिसिन पौधों की। तो सर ये बताइए कौन सा पौधा है जी? ये सहजन है जी। इसके इसकी पत्तियां पर खा के, आटे में गूंद के, हाँ जी, खा के इसको लगभग 300 बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, ठीक। हाँ जी। और सर ये कौन सा बताया था आपने? ये पारिजात, ये हार सिंगार से नाम से जाना जाता है। अच्छा जी। ये जो घुटनों का दर्द होए, जोड़ों का दर्द हो, इसके कम से कम 2 पत्ते रात को उबाल के पानी में 1 गिलास में, सुबह उसको खाली पेट पियो। ठीक है। घुटनों का दर्द और जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा।
यहाँ और भी हैं जी इधर मेडिसिन पौधे। हाँ जी, तो सर ये कौन सा पौधा है जी? ये इंसुलिन प्लांट है जी। इंसुलिन प्लांट ये शुगर रोगियों के लिए, जिसको शुगर है कम से 200 शुगर है, तो सुबह दो पत्ते दे खाली पेट चबा के ले। हाँ जी, हाँ जी। रोजाना जिसको 300 शुगर है तीन पत्ते रोजाना के। मेडिसिन प्लांट है, शुगर के लिए बहुत बढ़िया प्लांट है। वो फिर सुबह शाम ही लेते? नहीं, सुबह सुबह खाली पेट, जो नहीं किसी को सुबह दिक्कत आ रही दो टाइम ले सकता है इसको। तो गुरुमुख जी ये अंजीर का पौधा लग रहा है, यही है जी? सर ये अंजीर का पौधा ही। अच्छा, ये क्या काम करता है? ये पेट की बीमारियों के लिए काम करता है, ताकत के लिए काम करता है। जैसे मार्केट में ले आप अंजीर लेके आते हैं और 700-800 रुपये किलो है। हाँ, आप खेत में लगा के, घर में लगा के इसको आप अंजीर खा सकते हैं। ठीक है, तो ये पेट की बीमारियाँ जड़ से ही खत्म कर देता है? ये ताकत के लिए है जी, बीमारियों के लिए काम नहीं करता, पेट के ताकत के लिए काम करता है, शरीर के लिए, हड्डियों के लिए, शरीर की ताकत काम करता है। ठीक है जी। तो आइए सर आगे और। हाँ जी, तो सर ये कौन सा पौधा है? ये सीताफल का पेड़ है जी, आप घर में लगा के और इसको फल खा सकते हैं। सीताफल, रामफल, लक्ष्मण फल, तीन फल आते हैं इसमें जी। अच्छा अच्छा। हाँ, तीनों फल आप लगा के खा सकते हैं, अपने हरियाणा पंजाब में फल तैयार हो जाएगा। तो गुरमुख जी, हाँ सर, वीडियो अब हम समाप्त कर रहे हैं, इससे पहले हमें इनके सब्जी के बारे में बता दीजिए आप। सर सब्जी में अपने यहाँ मिल जाएगी पत्ता गोभी, फूल गोभी, मिर्च, बैंगन की वरायटियाँ मिल जाएगी, तीन बैंगन की वरायटी हैं इसमें, ब्रोकली आ जाएगी गोभी में। अच्छा अच्छा। और सब्जी की पौधे वगैरह अपने सारी मिल जाती है यहाँ से, जो घर में कोई ट्रेस में और छत पर कोई ग्रो बैग लगा के सब्जी लगाना चाहे। हाँ जी, तो यहाँ से हमारे पौधे जाके या हमारे हम खुद सर्विस वहाँ करवा देंगे, वहाँ जाके उसकी तैयारी करवा देंगे जाके। ठीक है जी। तो इसके बारे में लोगों को आप कुछ बताना चाहते हैं? हाँ जी, हम यही कहना चाहेंगे सब भाइयों को, दर्शकों को भी, जो हमारे नर्सरी का यहाँ सदगुरु प्रताप सिंह हाईटेक नर्सरी, हाँ जी, मैं गुरमुख सिंह 9360-61-270 अपना मोबाइल नंबर, और जो भाई यहाँ कोई घर में कोई नर्सरी या कोई पार्क वगैरह कोई फ्रूट के पौधे वगैरह घर के लगाना चाहे, तो हम सर्विस वहाँ खुद करवाएंगे जाके, मान लो उसकी देखभाल करवा देंगे और लगवाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे पार्क की। और सबको ग्रीनरी का ध्यान रखना चाहिए, आजकल प्रदूषण का टाइम है, उसमें थोड़ा सा आप सारे थोड़ा थोड़ा करें तो मतलब भी अपनी ग्रीनरी ज़्यादा होगी तो मतलब बीमारी कम होगी आने वाले टाइम में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लगा गुरमुख जी आपसे बात करके, धन्यवाद बहुत आने का पहुँचने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ। जय हिंद।